मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और वो ये कि गूगल पर तस्वीरें कैसे अपलोड करते हैं। सच तो ये है कि आप गूगल पर तस्वीरें अपलोड कर ही नहीं सकते। आइए इसके पीछे क्या साइंस है और क्या कारण है उसे समझ लेते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च का मतलब है खोजना और इंजन का मतलब है मशीन। यूं समझिए कि इंटरनेट को खोजने का एक यंत्र है गूगल। जब आप कुछ टाइप करते हैं तो गूगल पर क्या होता है? गूगल कुछ ही देर में, अक्सर एक सेकंड से भी कम में, करोड़ों वेबसाइट्स पूरी इंटरनेट से खोजकर आपको खोज के परिणाम या सर्च रिजल्ट्स देता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, हम गूगल में हैं और अब हम कुछ टाइप करके खोज लेते हैं। क्या, कैसे? एंटर दबाया। ये देखिए, एक सेकंड से भी कम में, 0.14 सेकंड्स में मुझे लगभग 60 लाख रिजल्ट्स या परिणाम मिल गए हैं गूगल में। पर सवाल ये उठता है कि गूगल इतनी जल्दी कैसे खोज लेता है? सच तो ये है कि जब आप टाइप करके एंटर दबाते हैं तो गूगल उसी समय नहीं खोजने की प्रक्रिया शुरू करता, वो तो पहले से ही खोज चुका होता है। आइए इसे समझ लेते हैं। गूगल वेब क्रॉलर्स की मदद से पूरी इंटरनेट की दुनिया को समझना और उसमें जल्दी से जानकारी खोजना चाहता है। इसलिए गूगल ने पहले से इंटरनेट की वेबसाइट्स और उन पर जो कंटेंट है उसको इंडेक्स किया हुआ होता है, और उस इंडेक्स की मदद से या निर्देशिका से वो फटाफट आपके सवाल या सर्च क्वेरी का परिणाम दे देता है। तो फिर तस्वीरें या फोटोज कैसे आती हैं गूगल के सर्च रिजल्ट्स में? देखिए, कोई भी कंटेंट, चाहे वो फोटो हो, वीडियो या डॉक्यूमेंट इत्यादि, अगर वो पब्लिक किया गया है और उसे ठीक से लेबल किया गया है, टैग किया गया है, तो वो गूगल के खोज परिणाम में आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक फोटो अपलोड करी फेसबुक पर, ट्विटर, गूगल प्लस या किसी वेबसाइट पर और उसे पब्लिक किया, सार्वजनिक किया, तो गूगल के क्रॉलर्स उसे इंडेक्स करके रख देंगे और जब कोई खोजेगा तो वो फोटो दिखा दी जाएगी। जैसे ये देखिए, ये मेरी फेसबुक कवर फोटो है और अगर मैं गूगल में जाऊं तो देखती हूँ ये फोटो आई है या नहीं। वापस से गूगल में गए, यहाँ पर ऊपर है इमेजेस, इमेजेस पर क्लिक किया और गूगल इमेजेस में क्या कैसे टाइप कर देते हैं। ये क्या कैसे से जुड़ी सारी इमेजेस आ गई। नीचे स्क्रॉल किया, ये देखिए, ये वही फोटो है जो मेरे फेसबुक पर इस समय मेरी कवर फोटो है। पर ध्यान रहे, आपकी फोटो की सेटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि वो पब्लिक हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। यहाँ पर फेसबुक में गए, देखिए, इस पर क्लिक किया और ये जो आइकन है ये आपको बता रहा है कि ये फोटो इस समय पब्लिक है। अगर आप इसे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे या इसे रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो फिर ये जरूरी नहीं है कि गूगल के क्रॉलर्स उसे इंडेक्स करें। फिर सवाल ये आता है कि मेरी तस्वीर इंडेक्स होने में कितना समय है। अब वो तो गूगल ही जाने। हाँ, उनके ब्लॉग्स अगर पढ़ें तो गूगल आपको बताता है कि आपको पेशेंटली वेट करना होगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आपकी इमेज थोड़े ही समय में इंडेक्स हो जाती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अब समझ आ गया होगा कि गूगल इमेज रिजल्ट्स में आपकी तस्वीर कैसे आती है। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PC से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।